आप सभी को सादर जय गुरुदेव। एक राजा था, तो राजा बहुत अधिक बोलता था। तो राजा के एक मंत्री भी था जो कि बड़ा ही विद्वान और राजा का शुभचिंतक था, हमेशा राजा का भला सोचता था। तो मंत्री सोचता रहता था कि राजा को कैसे मैं अधिक बोलने के इस दोष से मुक्त करूं और वह ज्ञान दूं जो कि मनुष्य के हृदय में बहुत गहराई से उतरकर उसके स्वभाव का अंग बन जाए। मंत्री हमेशा राजा के हित की बात सोचता रहता था और हमेशा उचित अवसर की तलाश में रहता था कि राजा को मैं कैसे इस दोष का आभास दिलाऊंगा। एक शिला पर जाकर बैठ गया तो शिला के ऊपर आम का एक बड़ा ही छायादार पेड़ था, बहुत घना। उस आम के पेड़ पर कौवे का एक घोंसला था। तो हुआ यूं कि कोयल, काली कोयल अपना अंडा कुएं के घोंसले में रखकर चली गई। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि कुएं के घोंसले में अपना अंडा रख देती है और कौवी भी उस अंडे को अपना समझकर पालती रहती है। तो कौवी उस अंडे को अपना समझकर पालती रहती है और आगे चलकर उसमें से कोयल का बच्चा निकला तो कौवी उसे अपना पुत्र समझकर चोंच से चुग्गा लालाकर उसे पालती थी। तो कोयल का जो बच्चा था उसने समय से पहले ही, जब तक उसके पर भी नहीं निकले थे, कोयल की आवाज में बोलना शुरू कर दिया। तो जब बच्चे ने कोयल की आवाज में बोलना शुरू किया तो आवाज सुनकर कौवी ने सोचा यह अभी विचित्र आवाज करता है, बड़ा होने पर पता नहीं क्या करेगा। तो कौवी ने उसे चोंच मार मार कर उसकी हत्या कर दी और बच्चे को घोंसले से नीचे गिरा दिया। नीचे पेड़ के राजा बैठा था। तो राजा जहां बैठा था वह बच्चा वहीं राजा के पैरों में आकर गिरा। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि मित्र यह क्या है। तो मंत्री को राजा की भूल बताने का यही सबसे अच्छा अवसर मिला। इस अवसर का फायदा उठाकर मंत्री ने तुरंत कहा, महाराज यह अति वाचाल है, इसकी यही गति होती है और होनी भी चाहिए। तो पूछने पर मंत्री ने पूरी बात राजा को समझाकर बताई कि कैसे यह बच्चा बिना समय ही आवाज करने से नीचे गिरा, कैसे कौवी ने इसे चोंच से मार मार कर इसकी हत्या कर दी और फेंक दिया और यह बच्चा मृत को प्राप्त हुआ। अगर यह चुप रहता तो समय से पहले घोंसले से उड़ जाता। इतना कहकर मंत्री ने राजा को मौका देकर उसकी वाचाल दूर करने के लिए यह प्रत्यक्ष उदाहरण बताकर नीति बताई कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, अधिक बोलने से इसी तरह दुख भोगते हैं। और मंत्री ने अपने वाणी से राजा को बहुत अच्छी तरह सीख दी, उनके दुष्परिणाम राजा को बताए। हलाहल विष के समान ऐसा नाश करती है जैसा तेज किया हुआ शस्त्र भी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वाणी को समय समय पर उसकी रक्षा करें, संयम रखें, अपने समकक्ष व्यक्तियों से कभी अधिक बातचीत ना करें। जो बुद्धिमान समय पर विचार पूर्वक थोड़ा बोलता है वह सबको हमेशा अपने वश में करता है। बुद्धिमान और प्रज्ञान मंत्री की बात सुनकर राजा अति वाचलता के दोष को भुला पाया, सुखपूर्वक और राज करने लगा। फिर राजा प्रसन्न होकर मंत्री को खूब मान